नमस्कार, मैं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। वक्त चला है सुबह की 5 बड़ी खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर आलापा कश्मीरी राग, कहा अगर मोदी चाहें तो मध्यस्थता को तैयार। जम्मू कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता की पेशकश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मध्यस्थता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तय करना है। मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात की है, अगर भारत चाहता है तो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बोले कश्मीर भारत पाक के बीच का मसला। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार सुबह बैंकॉक में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। मुलाकात में एस जयशंकर ने कश्मीर मसले पर भी भारत का रुख अमेरिका को बताया और कहा कि वे ये भारत पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मसला है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना ने आतंकवादी को घेरा, मुठभेड़ में एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है। बताया जा रहा है कि सेना की 34 RR, SOG और CRPS की संयुक्त टीम ने शोपियां के पुशहुंग इलाके में घेरे और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सुरक्षा बलों ने इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया है। निर्णायक मोड़ पर पहुंचा राम मंदिर का मामला, मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। खबर है कि समिति के अंदर और बाहर पक्षकारों के रूप में कोई बदलाव नहीं दिखा। अब चीफ जस्टिस सहित सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ समिति की रिपोर्ट को शुक्रवार सुबह 2 बजे सुनवाई करेगी। वडोदरा में बारिश से हाहाकार, NDRF ने आधी रात को 138 लोगों को किया एयरलिफ्ट। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पुलिस और NDRF के जवान बचाव कार्य में लगे हुए हैं। NDRF की टीम ने IFC-130 एयरक्राफ्ट की मदद से 138 लोगों को बाहर निकाला है और देर रात तक रेस्क्यू का काम जारी रहा। फिलहाल 5 बड़ी खबरों के लिए इतना ही, और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com पर लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो से।